अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला किस तरह खुश आबाद रखे, मुस्कुराते रखे अपने अपने घरों में। आज हम बना रहे रेनबो बोल। उसके लिए मैंने खुश्क दूध लिए, कंडेंस मिल्क लिए, और ये मैंने लिए चोको फोर जो होती है बच्चों की, वो लिए क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे। उसके मैंने ये चोको फोर लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब एक बाउल लेते हैं, उसके अंदर हम इसके अंदर मिक्स करते हैं खुश्क दूध। मैंने दूध लिए खुश्क दूध, आप कोई भी ले सकते हैं, नीडो भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, बट मैंने नीडो लिए। आपको जो अच्छा लगे आप वो ले लें। 60 टेबल स्पून मैंने ये दूध लिए, इसे ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। कंडेंस मिल्क लिए, होम मेड कंडेंस मिल्क है। अगर ये मैंने होम मेड लिए, अगर आपने ये मेरी रेसिपी नहीं देखी तो आप ये देखें जाके, बहुत ईजी और बहुत आसान है ये बनाना। कंडेंस मिल्क ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, बिल्कुल बाजार जैसा। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी है, बहुत ईजी और बहुत आसान है। ये आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, इसको हम मिक्स करते हैं। तकरीबन मैंने 5 टेबल स्पून मैंने ये कंडेंस मिल्क लिया है, इसको हम मिक्स करते हैं। अगर कम लगे तो फिर आप और अंदर ऐड कर लें। ये देखें, ये हमारी डो अच्छी तरह तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, बहुत ईजी और बहुत आसान, बस इस तरह की हमें चाहिए। बिल्कुल ये रेडी है। अब हम ये देखिए मिक्स कर लिए हम, क्योंकि रेनबो बना रहे हैं उसके लिए हम मुख्तलिफ पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जितने कलर आपको चाहिए उतने कलर आप इसके सेपरेट कर लें आप, उसके अंदर फिर हम कलर ऐड करते हैं। मैंने कर लिए, एक पार्ट में वाइट रखूंगी। अब इसके अंदर हम कलर डालते हैं, जो फूड कलर होते हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कलर डाल लें। इसमें लिक्विड भी होते हैं। चावलों में जो कलर होता है वो नहीं आपने डालना, जो फूड कलर मतलब केक वगैरह में इस्तेमाल होता है वो आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। ये आपको मैं दिखा भी रही हूँ, जो आपके पास अवेलेबल है वो इसके अंदर डालें और बच्चों को खुश करें बना के। ये पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं। ये मैं पाउडर फॉर्म में पहले डाल रही हूँ, कुछ मेरे पास पाउडर फॉर्म में या कुछ लिक्विड है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे इनके अंदर और मिक्स करेंगे। ये डाल के मिक्स करके मैं आपसे मिलती हूँ फिर। ये देखिए मैंने कलर सारे मिक्स कर लिए हैं, बहुत अच्छे। आपकी अपनी फेस के मुताबिक डाल कर सकते हैं मिक्स। थोड़ा सा हैंड को ग्रीस किया, अब इससे हम थोड़ा सा लेंगे ऐसे हैंड पे फैलाएंगे, और एक चोको फोर किसी कलर की भी हम इसके अंदर रख देंगे, ऊपर से हम कवर कर देंगे ऐसे पेड़ की तरह हम इसको बना लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना ईजी और कितना आसान है। ये देखिए बस बिल्कुल इस तरह बनाते जो रखते जे। सारे इस तरह रेडी कर लेंगे। ये आप देखिए, एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर हमने रखे चोको फोर, बस ऐसे कवर कर दिए, बिल्कुल सिंपल सा कवर करना है हमने। ये आप देख सकते हैं इस तरह सारे रेडी करते जाएंगे, बना के मैं आपसे मिलती हूँ। जी भाई, ये देखिए हमारे बॉल्स रेडी हो गए, मुख्तलिफ कलर के। जी भाई, ये देखिए हमारे बॉल्स रेडी हो गए, कितने यम्मी, कितने मजे के, देखने भी इतने मजे के, खाने में भी इतने मजे के होंगे, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे आएंगे। आप बच्चों को जरूर बना के दिया करें। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको देख पकड़ खा भी सकती हूँ एक। ये आप देख सकते हैं अंदर इसको 10 से 15 मिनट आप फ्रीजर में रख सकते हैं इनको, ताकि अच्छी तरह ये सेट हो जाए। मुख्तलिफ कलर के मैंने बनाए, आप एक कलर के भी बना सकते हैं, जो आप बच्चों को कलर पसंद है वो आप वो भी एक कलर बना सकते हैं। मैंने मुख्तलिफ कलर के बनाए हैं, कितने ईजी कितने आसान है, झटपट बनने वाले हैं, बच्चे बहुत खुश होंगे। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी बच्चों के साथ किया करें, बच्चों को खुश किया करें, बच्चे खुश बहुत खुश होते हैं इस तरह की चीज़ों से। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड और फैमिली के साथ, इस तरह की ईजी आसान रेसिपीज मैं लेके आती हूँ आपके लिए। मुझे दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।